नहीं हुई। तो वहाँ के कौन थे हमको नहीं मालूम कि कौन थे वो लोग। कुछ लोग आए और बोले कि चलिए हम आपसे मुलाकात करवा दें, बात करते हैं। तो हम दो लड़कियाँ अंदर गए तो वहाँ पे पता चला कि किन्हीं से मुलाकात नहीं करवा रहे, वहाँ पे वो कॉल से बात करवाए किन्हीं से, पता नहीं वो कौन थे। हो सकता है मिनिस्टर साहब हो, नहीं भी हो सकते क्योंकि हम तो नहीं जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन में, आपके साथ अभिजीत सिंह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव शाम के टाइम में जनता दरबार लगाते हैं और लोगों से मिलते हैं और यहाँ पर ज़्यादा लोग युवा लोग पहुँचते हैं अपनी मांगों को लेकर। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोगों से वादा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, इसी को लेकर ज़्यादा लोग युवा लोग 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ कुछ GNM के छात्र हैं, वो अभी इस वक्त 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पहुँचे हैं। किस लिए आप लोग 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पहुँचे थे? हम लोग सर्कुलर आवास इसलिए पहुँचे हैं कि एक्चुअली CHO की वैकेंसी आई थी जनवरी में। हम लोग GNM की छात्राएँ हैं तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग का सेशन है 17 से 20, तो कंप्लीट तो हमारा 20 में ही हो जाना चाहिए, लेकिन 20 में नहीं कंप्लीट होके हमें सर्टिफिकेट मिला है 22 में। तो हम एलिजिबल हैं 22 में किसी भी वैकेंसी के लिए। तो CHO का तो हम लोगों ने फॉर्म भर दिया, रिजल्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो गए, सब कुछ हो गया हमारा, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डेट दिया गया है 12 सितंबर से स्टार्ट है, तो उसमें हम लोग हैं कि उसका जो कट ऑफ डेट दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, वो मांग रहा है 1 फरवरी 2022 के पहले का, और हमारा रजिस्ट्रेशन आया है 26 फरवरी 2022 को। तो मात्र हम 26 दिन के लिए वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे वेरिफिकेशन में। तो इसलिए हमारी स्वास्थ्य मिनिस्टर से आग्रह है कि मात्र ऐसा ऑर्डर दे कि ताकि हम लोग उसमें एलिजिबल तो हैं ही और मतलब कि आगे भी सिलेक्ट हो सके, और ये कट ऑफ डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, बस 26 या 27 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ भी बढ़ा दिया जाए, तो फिर हम लोग एलिजिबल हैं और अच्छे सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर जॉब भी हो जाएगी। आप लोग मुलाकात करने आए हैं तो क्या मुलाकात हुई आप लोग? नहीं, हम लोग सारे छात्र आए यहाँ पे, बहुत देर से गुहार लगा रहे थे कि हम लोग की सर से बात हो, मुलाकात हो और हम अपनी मांग रखें, लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मुलाकात नहीं हुई। तो वहाँ के कौन थे हमको नहीं मालूम कि कौन थे वो लोग। कुछ लोग आए और बोले कि चलिए हम आपसे मुलाकात करवा दें, बात करते हैं। तो हम दो लड़कियाँ अंदर गए तो वहाँ पे पता चला कि किन्हीं से मुलाकात नहीं करवा रहे, वहाँ पे वो कॉल से बात करवाए किन्हीं से, पता नहीं वो कौन थे। हो सकता है मिनिस्टर साहब हो, नहीं भी हो सकते क्योंकि हम तो नहीं जानते उनको, उतनी क्लोजली तो नहीं जानते ना कौन थे। तो जिनसे बात हुई उन्होंने आश्वासन दिया है, हम मान लेते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसी आ रही है उसमें GNM की वैकेंसी अभी नहीं आई है, आने वाली है कुछ देर में, मैं दूंगा, वो हमारी पॉलिसी है, मैं दूंगा, मैं ऐसा बोल रहे हैं सर, आश्वासन दिए इस बार भी। तो हमें उम्मीद है कि सर जो बोल रहे हैं या जो भी है जो बोल रहे हैं सर तक तो आवाज़ जा ही रही होगी, हम आप लोग से भी गुजारिश करते हैं कि ये आवाज़ सर तक पहुँचाएँ कि हम लोग की बात सुनी जाए और GNM की वैकेंसी BTSC के थ्रू या जैसे भी निकाले परमानेंट वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ जाए, और SHSB की जो वैकेंसी आई हुई है CHO की उसमें जो कट ऑफ क्राइटेरिया टर्न कर दिया जाए ताकि हम लोग एलिजिबल हो। कहाँ से आए आप लोग? 1 मंथ भी अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और बात है कि CCH का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है इस बार से CHO के लिए, तो बिहार में तो CCH का कोर्स होता नहीं है और इग्नू से होता है, तो इग्नू से भी अभी बंद हो रखा है, तो हम लोग के पास CCH सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो मतलब वैकेंसी निकाली गई, उसमें ऑप्शन दिया गया, फॉर्म फिलअप करवाया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो जब हमें लेना ही नहीं था तो इतना परेशानी और इतना प्रोसेस क्यों फिर? और अगर ऐसा है तो उस क्राइटेरिया को वो अपना शर्त को हटाए तभी तो हम लोग जा पाएंगे ना, नहीं तो क्या फ़ायदा इतने दिन से परेशान हुए और फाइनली कुछ नहीं, जीरो। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, कट ऑफ डेट को 1 मंथ आगे बढ़ा दिया जाए और CCH की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया जाए, जब हम जिस चीज़ को अब हमें तो हो जाना चाहिए था 20 में ही क्लियर, लेकिन 22 में हमारा रिजल्ट आता है तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है? तो इसमें गवर्नमेंट के लिए हम 2 साल रुक सकते हैं, लेकिन क्या हमें 26 दिन और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है अगर चाहें तो। ये थे GNM के छात्र, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी नहीं दिया गया, इसी को लेकर वो इन लोग 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें फ़ोन पर ही बात कराया गया और उनका आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आप लोगों के लिए भी वैकेंसी निकाला जाएगा। और अमूमन जो तेजस्वी प्रसाद यादव शाम को टाइम लोगों से मिलते थे, लेकिन आज वो बाहर मिलने नहीं पहुँचे थे, लेकिन लोगों से वो फ़ोन पर अपने सचिव के माध्यम से वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।